हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी शिक्षा डॉट कॉम। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश, और जावा ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि जावा में एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने दो तीन चीज़ यूज किया है, कीवर्ड जो कि है पब्लिक, ऐसे ही हमने देखा था प्राइवेट, और एक और हमारे पास होता है जो है प्रोटेक्टेड। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों जो है जावा में एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, इसे पहले वीडियो में हमने अपना एक पैकेज बनाया था, और उस पैकेज में हमने दो क्लासेज बनाया था। एक था हमारा पैकेज इंट्रो, और दूसरा था हमारा ये सैम्पल क्लास, राइट। और चूंकि इस सैम्पल क्लास में हमने इस पैकेज इंट्रो को इंपोर्ट भी करा लिया था, ऑलराइट। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं उन तीन एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, और आपको बताऊंगा कि ये होते क्या है और काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें एक सैम्पल मेथड बना लेता हूँ। तो मान लीजिए, पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक, पब्लिक वाइड, ओके, और मैं मेथड का नाम दे रहा हूँ, सपोज प्रिंट हेलो, ऑलराइट। आर्गुमेंट कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेलो, हेलो जावा, लेट्स से ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर भी हम लोग इस प्रिंट हेलो मेथड को कॉल करेंगे, उसका मतलब है ये प्रिंट करेगा, ऑलराइट, क्योंकि इस मेथड में ये काम हो रहा है, राइट। कम बैक टू सैम्पल डॉट जावा, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट हेलो को। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने इस क्लास को, पैकेज इंट्रो क्लास को इंपोर्ट करा लिया है। इसमें सबसे पहला काम है कि हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, और इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो पैकेज इंट्रो है, ओके, पैकेज इंट्रो का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, से पैकेज इक्वल्स, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जस्ट न्यू कीवर्ड यूज करके, न्यू पैकेज इंट्रो, ऑलराइट। इस क्लास का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ इस क्लास में जो मेथड बनाया था हमने प्रिंट हेलो, उसको एक्सेस करने वाले हैं। हम लोग लिखते हैं पैकेज डॉट, और जो भी पॉसिबल मेथड्स आपके पास है वो यहाँ पे आपके लिस्ट में आ गया। यहाँ से मैं प्रिंट हेलो ले लेता हूँ, ठीक है। इस ढंग से हमने एक पैकेज इंट्रो का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके थ्रू हम लोग उसमें जो एक मेथड बनाया है उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। चलिए एक बार इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। राइट, आप यहाँ देख रहे हैं हेलो जावा हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने क्या किया था कि इस मेथड को पब्लिक बनाया था, राइट। पब्लिक मीन्स कोई भी क्लास, इस क्लास में हमारे पास ये मेथड है जो कि पब्लिक है। पब्लिक मीन्स कोई भी अदर क्लास इस मेथड को यूज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं हेलो जावा डॉट जावा करके हमारे पास एक क्लास था, वैसे ही हमने इस क्लास को भी बनाया था। आप देखेंगे कि पैकेज इंट्रो डॉट जावा और सैम्पल डॉट जावा दोनों सेम पैकेज माई पैकेज में है, राइट। मैं
तो इस ढंग से हमने क्या किया कि दोनों सेम पैकेज में है और इस सैम्पल डॉट जावा में, यानी कि इस क्लास में, सैम्पल क्लास में हमने पैकेज इंट्रो में जो एक मेथड बनाया था उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। अब हम कोशिश करते हैं कि इसी मेथड को जो कि हमारा पैकेज इंट्रो डॉट जावा में, यहाँ जो देखिए हमने इस पैकेज इंट्रो क्लास में जो हमारा एक मेथड है ये प्रिंट हेलो उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन उस क्लास में जो कि इस पैकेज में नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो डॉट जावा, ये हमारा जो फाइल है या हमारा जो हेलो क्लास है वो एक दूसरे पैकेज में है। तो उसके लिए चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला काम लिखना होगा इम्पोर्ट माई पैकेज डॉट पैकेज इंट्रो। ऑल राइट, सो हमने क्या किया, उस पैकेज से इस क्लास को इम्पोर्ट कर लिया। सबसे पहला काम देखिए, ये हमारा ये जो क्लास है हेलो क्लास और ये पैकेज इंट्रो क्लास, ये दोनों डिफरेंट पैकेज में है। ये माई पैकेज में है, ये जो है डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, लेकिन दोनों सेम प्रोजेक्ट में है। आप ध्यान देंगे ये भी प्रोजेक्ट वन में है, यहाँ देखिए ये भी प्रोजेक्ट वन में है, राइट। सो मैंने क्या किया, उसको पहले इम्पोर्ट कर लिया, राइट। मैं इस लाइन को हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ऑलराइट, सो आप देखेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है। एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ये जो प्रिंट हेलो है जो हमने इसमें एक मेथड बनाया है वो पब्लिक है, मींस कोई भी क्लास किसी भी पैकेज में इस मेथड को यूज कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या होता है। चूँकि ये क्लास, चूँकि ये मेथड पब्लिक है, देयरफोर हम लोग आउटसाइड द पैकेज, ये हेलो जो है आउटसाइड द पैकेज है उससे भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस मेथड को। ये सैम्पल जो है वो सेम पैकेज में है जो जिसमें ये है, उससे भी हम एक्सेस कर पा रहे थे, राइट। सो चलिए एक बार इसको पहले रन करते हैं, आप देखेंगे कि हमारा हेलो जावा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक, आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। चलिए दूसरी चीज मैं बनाता हूं यहां पे, इसको प्राइवेट, प्राइवेट, राइट। सो प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ इस मेथड को सिर्फ इसी क्लास में यूज कर पाएंगे, बाहर के क्लास में आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए जैसे ही मैं इसको प्राइवेट बनाया एक अदर क्लास में जो कि सैम्पल डॉट क्लास है, आप उसमें आए और यहाँ पे आप देखेंगे एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस मेथड को प्राइवेट बना रखा है। चूँकि ये प्राइवेट है देयरफॉर ये बाहर के क्लास को एक्सेसिबल नहीं होगा, बाहर के क्लास इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नाइदर ये क्लास सैम्पल क्लास जो कि सेम पैकेज में है और नॉर ये हेलो क्लास जो कि एक अदर पैकेज में है, राइट। सो प्राइवेट का मतलब है सिर्फ उसी क्लास का मेंबर होना चाहिए, मीन्स अगर हमने इस मेथड को प्राइवेट बनाया है तो सिर्फ पैकेज इंट्रो क्लास में ही ये एक्सेसिबल होगा। ऑलराइट, सो ये होता है प्राइवेट। चलिए अब प्रोटेक्टेड देखते हैं, राइट। अब की बार हमारे ये जो प्रिंट हेलो है वो प्रोटेक्टेड है। आइए देखते हैं सैम्पल क्लास में क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि सैम्पल क्लास में ये एक्सेसिबल है और ये इसलिए है क्योंकि ये जो सैम्पल क्लास है और पैकेज इंट्रो क्लास है दोनों सेम पैकेज में है, राइट। ऑलराइट, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड जो होता है उसी पैकेज के किसी भी क्लास में एक्सेसिबल होगा, मीन्स अगर पैकेज सेम है सो आप उस मेथड को या जो भी वेरिएबल कुछ भी है प्रोटेक्टेड आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन है वो सेम पैकेज में होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों सेम पैकेज में है देयरफॉर हम लोग यहाँ पे एक्सेस
कर पा रहे हैं। देखिए हेलो डॉट जावा में क्या हो रहा है, जो कि एक डिफरेंट पैकेज में है। आप देखेंगे कि ये एरर अभी भी हमारे साथ है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंट हेलो एक्सेसिबल नहीं है, राइट। रीज़न ये है कि ये हेलो, ये जो क्लास हेलो है और ये जो क्लास पैकेज इंट्रो है, ये दोनों डिफरेंट पैकेजेज में है, राइट। सो ये डिफरेंस होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के बीच में, राइट। पब्लिक आप कहीं भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में यूज कर सकते हो, और प्रोटेक्टेड मीन्स आप किसी भी क्लास से जो कि सेम पैकेज में है यूज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के कुछ वीडियो में हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा और आगे ले जाएंगे।